स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना एमपी का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर से। मरीज की मौत के बाद हंगामा अस्पताल में देखने को मिला है। अनंत श्री अस्पताल का यह मामला है जहां पर मौत के बाद हंगामे की तस्वीर सामने आई। 62 साल के मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ। डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट भी की गई। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। मरीज की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई थी। बता दें पिपलानी थाने में हॉस्पिटल संचालक ने मामला भी दर्ज करवाया है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मरीज की मौत हो गई और उसके बाद जो है हंगामा साफ तौर से देखा जा रहा है। डॉक्टरों पर हमला किया गया। डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। अस्पताल में भी तोड़फोड़ की गई। फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। बता दें मरीज की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई थी। हॉस्पिटल संचालक ने मामला दर्ज करवाया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अनंत श्री अस्पताल की, जहां पर मौत के बाद यह हंगामा देखने को मिला। दरअसल 62 साल के मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा करने लगे परिजन। डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट करने लगे। देखिए तस्वीर, किस तरह से मारपीट डॉक्टरों के साथ करते नजर आ रहे हैं। और अस्पताल में भी तोड़फोड़ की गई। मरीज की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई थी, उसके बाद परिजनों का हंगामा देखा गया। हॉस्पिटल संचालक ने मामला दर्ज करवाया है। अनंत श्री अस्पताल का ये मामला है जहां पर मौत हुई। 62 साल के मरीज की मौत हुई और उसके बाद हंगामा देखा गया। मरीजों का तोड़फोड़ अस्पताल में करते हुए नजर आए। डॉक्टरों के साथ बदतमीजी, मारपीट करते हुए नजर आए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अब ऐसा लगता है कि आम बात सी हो गई है अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ मारपीट, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो परिजन हावी हो जाते हैं और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। एक और तस्वीर सामने आई। बिल्कुल ऋतु, देखिए उसी तरीके का ये मामला निकलकर सामने आया है कि जब एक 62 साल के बुजुर्ग को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और जो अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि गंभीर स्थिति में इस मरीज को अस्पताल में लाया गया था, कार्डियक अरेस्ट का ये मामला था और उसके बाद जो बुजुर्ग है उसकी मौत हो गई और उस मौत से गुस्सा है जो उनके परिजन थे, उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और जो डॉक्टर है उनके साथ मारपीट भी की। इसका वीडियो भी सामने आया है और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पे मामला दर्ज किया। 5 लोगों पर ये मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अब पूरे मामले में क्या अस्पताल प्रबंधन की वाकई में लापरवाही है या फिर जो मरीज के परिजन थे उनका दुर्व्यवहार सामने था, ये एक जांच का विषय जरूर है। लेकिन पुलिस ने फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पे मामला दर्ज कर लिया है। आखिर जो परिजन हैं जिसकी मौत हुई उनके परिजन हैं, उनका आखिर क्या कुछ कहना था? क्या आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं? क्या वाकई लापरवाही अस्पताल की ओर से बरती गई कि मरीज की मौत हो गई और लड़ाई पर उतारू हो गए वो लोग? देखिए परिजनों का कहना है कि ये डॉक्टरों की लापरवाही का मामला है, क्योंकि जब वो मरीज को लेकर आए थे तब उनकी हालत स्थिर थी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मामला गंभीर था और गंभीर हालत में जो मरीज को अस्पताल में लाया गया था, तो दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि परिजन इसमें पूरी तरीके से डॉक्टरों की लापरवाही को जिम्मेदार बता रहे हैं और इसी वजह से गुस्साए जो परिजन है उन्होंने अस्पताल में हंगामा किया है। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और क्या वाकई में डॉक्टरों की लापरवाही पूरे मामले में सामने में या फिर जो परिजन है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। होटल के छत पर लाश मिली है, वेटर की लाश मिली, हत्या की आशंका जताई जा रही है। 3 कर्मचारियों से पूछताछ फिलहाल जारी है। हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मोहन नगर थाना क्षेत्र का यह मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर लाश पाई गई है, हत्या की आशंका जताई जा रही है। 3 कर्मचारियों से इस पूरे ही मामले में पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ हो रही है।
रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। एआईसीसी ने विधानसभा चुनाव के लिए बनाई है कई कमेटी। कोर कमेटी में प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के नाम शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के नाम शामिल है। मंत्री शिव कुमार डहरिया के नाम भी इसमें शामिल किया गया है। एआईसीसी ने कमेटियां बनाई हैं, कई सारी कमेटियां बनाई गई हैं और उसमें शामिल किया गया है दिग्गजों को विधानसभा चुनाव के लिए। ये कई सारी कमेटियां बनाई गई हैं, बता दें आपको कोर कमेटी में कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल शामिल हैं, साथ ही साथ पीसीसी अध्यक्ष डिप्टी सीएम के नाम भी इसमें शामिल हैं। और आपको बता दें चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू के नाम भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। एआईसीसी ने कई कमेटियां बनाई हैं, अब चुनावों के मद्देनजर, चुनावों को देखते हुए ये कमेटियां बनाई गई हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, कुछ ही समय बचा है और इसलिए समितियां बनाई गई हैं। कोर कमेटी में कुमारी शैलजा, सीएम बघेल, पीसीसी अध्यक्ष, डिप्टी सीएम के नाम इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें आपको चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं। एआईसीसी ने कई कमेटियां बनाई हैं जिसमें दिग्गजों के नाम शामिल किए गए हैं। कुमारी शैलजा, सीएम बघेल, डिप्टी सीएम, चरणदास महंत, कई सारे दिग्गज इसमें शामिल हैं। सीएम के साथ ही कमेटियां बनाई गई हैं कई सारी। एआईसीसी ने कई कमेटियां बनाई हैं और इसमें दिग्गजों के नाम शामिल हैं। बता दें विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और विधानसभा चुनाव के लिए ही ये कमेटियां बनाई गई हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। चुनाव के लिए दूसरी सूची की अटकलें भी तेज होने लगी हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चुनाव के लिए दूसरी सूची की अटकलें अब तेज होने लगी है। मंथन जो है दिल्ली में किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रमुख नेताओं को दिल्ली भी बुलाया है और दिल्ली के लिए सीएम शिवराज और वीडी शर्मा रवाना होंगे। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें चुनाव के लिए दूसरी सूची की अटकलें अब कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही हैं। मंथन होगा, बैठक होगी, नामों पर विचार लंबे वक्त से हो रहा है। हो सकता है कि जल्द फैसला आ जाए और दूसरी सूची जो है बीजेपी द्वारा जारी कर दी जाए प्रत्याशियों की। तो चुनाव की दूसरी अब सूची जो है, प्रत्याशियों की दूसरी सूची है, जल्द जारी होगी। केंद्रीय नेतृत्व जो है मंथन कर रहा है लगातार और केंद्रीय नेतृत्व ने दिग्गजों को दिल्ली भी बुलाया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। खास ये बैठक होगी, बड़ी बैठक है बीजेपी की। लगातार मंथनों का दौर जारी है और उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द अब दूसरी सूची जारी हो जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। दिल्ली में मंथन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज और वीडी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। दतिया की बात करते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में बुलडोजर की एंट्री हो गई। यहां बुलडोजर से फूल बरसाकर यात्रा में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का स्वागत किया गया। भांडेर से शुरू हुई यात्रा दतिया होते हुए डबरा पहुंची। ये तस्वीरें आपके सामने दतिया की, जहां पर बुलडोजर से फूल बरसाकर स्वागत किया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का स्वागत किया गया गर्मजोशी के साथ जन आशीर्वाद यात्रा में। बुलडोजर से फूल बरसा करके स्वागत किया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा आप दतिया जिले में प्रवेश कर चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्वागत है वो बुलडोजर से किया जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलता है और अब देखिए जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत भी बुलडोजर के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रथ पर सवार है, उन पर बुलडोजर के माध्यम से की जा रही है। लगातार जो है इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है और वो परंपरागत चीज है जो है वो समय साफ तौर पर देखने को मिले। अब तक ये बुलडोजर लोगों के घर गिराने का काम करता था, जो अपराधी थे उनके घरों गिराने का काम करता था, लेकिन अब जो है जन आशीर्वाद यात्रा में स्वागत करने के काम भी ये बुलडोजर उपयोग किया जा रहा है। कैमरा दीपक कुमार के साथ साइलेंट सिंह, बुलेटिन दतिया।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस की यात्रा पर सवाल उठाने पर कहा कि खुद तो यात्रा निकाल नहीं सकते, कमलनाथ की तो उम्र भी हो गई है, तो सवाल ही खड़ा कर सकते हैं। लगातार आगे बढ़ रही है और यात्रा जो है अब दतिया जिले के में अंदर प्रवेश कर चुकी है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का उत्साह जो है वो मिल रहा है। दादा, यात्रा लगातार आगे बढ़ रही जा रही, किस तरह का उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है? जी आप स्वयं देखिए, जनता का प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद, विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति, ये विश्वास है माननीय मोदी जी के प्रति, ये विश्वास है विकास के प्रति, ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो आगे बढ़ती चली जा रही है तेजी के स्वाद में। माननीय नड्डा जी और माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा आगे बढ़ रही है। दादा, अभी तक बुलडोजर अपराधियों के घर तोड़ता था, आज स्वागत में भी बुलडोजर नजर आ रहे हैं। ये तो अपना अपना तरीका है लोगों का स्वागत करने का, जिसका जैसा भाव है वैसे स्वागत कर रहा है। लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती रहती है कि आशीर्वाद यात्रा नहीं है बल्कि जन निकासी यात्रा है, कि आरोप जो है कमलनाथ जी लगातार। अब वो रथ यात्रा निकाल तो सकते नहीं है, वो कमलनाथ जी रथ पे चल नहीं सकते हैं, उम्र भी है स्वास्थ्य भी है, तो आरोप ही लगा सकते हैं तो लगाए। ग्वालियर चंबल संभाग के साथ बिंद में भी आप गए थे, बिंद में किस तरह का देख पा रहे हैं? जबरदस्त समर्थन है। मैं पिछले 33 साल से विधायक हूँ, 18 साल से मंत्री हूँ, मैंने ऐसा समर्थन भाजपा के पति आज तक नहीं देखा। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश सरकार के साफ तौर पर कहना है कि जो जन समर्थन बार बार नजर आ रहा है, इस तरह का जन समर्थन पहले कभी देखने को नहीं मिला है। तो ये साफ तौर पर जो आशीर्वाद यात्रा है उसको आप तस्वीरें भी लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से अपार जन समुदाय जो है वो दतिया जिले में उमड़ा हुआ है। तो आप ये रथ यात्रा जो यात्रा क्रमांक 5 है, ये लगातार आगे बढ़ती जा रही है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि रथ पर तो रावण चलता था, साथ ही उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय नेताओं की एंट्री को लेकर भी निशाना साधा। तो पत्थर और टमाटर फेंक रहे हैं ना, तो उनका लाओ ये, इनको दिल्ली वालों को शायद कुछ ठीक हो जाए। ये तो जो है जनता परेशान हो चुकी है, ये 20 साल से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये उसमें जन आशीर्वाद में ऐसा नहीं कि पैदल निकले, ये रथों पे निकलते हैं, जिससे पत्थर वहां तक नहीं जाए या टमाटर वहां तक नहीं जाए, तो इसलिए रथों पे निकल रहे हैं। अरे रथ पे इधर पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि पीसी शर्मा ने अज्ञानता वाली बात कही है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, देवता भी रथ पर चलते थे। देखिए, जो रामद्रोही हैं, जो हिंदुत्व विरोधी हैं, जो सनातन के मूल विरोध करते हैं, उनके मुख से इसी तरीके की अज्ञानता वाली बातें निकलेंगी। पीसी शर्मा जी को अपना ज्ञान सुधारना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारे जितने देवी देवता रथों पर चले हैं उनके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। बाकी पीसी शर्मा जी ये बताएं कि मध्य प्रदेश में जब जब उनके नेता इन रथों पर चले हैं या देश में जब भी चले हैं यात्रा स्वरूप, तो क्या वो उनको भी इसी संज्ञा से मानते हैं? और अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के नेताओं ने जनता को राक्षस कहा, उनको श्राप दिया, और अब ये नई संज्ञा देके पीसी शर्मा जी ने उसी मानसिकता और भावना को आगे। इधर इंदौर पर अश्नीर ग्रोवर के बयान पर बवाल मचा है। 56 दुकान एसोसिएशन का बड़ा फैसला आया है, अश्नीर ग्रोवर को 56 दुकान पर प्रवेश नहीं देने का फैसला लिया है, साथ ही माफी की भी मांग की गई है। सर, मैं ये समझता हूँ कि अश्नील ग्रोवर को तवज्जो देना तो वो उस लायक न होंगे कि इंदौर शहर की जनता उन्हें कुछ रिप्लाई करे, पर फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि अश्नील जो कि
अभी तक अश्लील के नाम से थे, कल के बाद हम ये बोल सकते हैं कि वो अश्लील ग्रोवर हैं। इंदौर शहर की स्वच्छता पर इस तरीके का कमेंट्स हम लोगों को बिल्कुल भी। इधर अश्लील के बयान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें गंदगी दिखाई देगी। इंदौर और इंदौरियों के सफाई कल्चर पर पूरे देश को गर्व है। जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें तो गंदगी दिखाई देगी ही। इंदौर के सफाई कल्चर पर, इंदौरियों के सफाई के कल्चर पर पूरे देश को गर्व है। और सिक्सर मारा है इंदौर ने, लगातार देश में 6 बार अव्वल रहना अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके बारे में इंदौर ने पूरे देश के लिए मील का पत्थर भी साबित हुआ है। इस विषय पर मेयर साहब बोल चुके हैं और मेयर साहब जो कार्रवाई करेंगे हम उनका पूरा। पन्ना से बड़ी खबर है, पन्ना राजघराने की महारानी का वीडियो वायरल हुआ है। रिहाई के बाद वीडियो वायरल हुआ, वीडियो में सुनाई आप बीती। जब से पन्ना में मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आए हैं तभी से गड़बड़ी है। जुगल किशोर मंदिर में किया गया मेरे और मेरे बेटे के साथ षड्यंत्र, कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। में जो कभी भी नहीं होता, परंपरा के विरुद्ध दो चंवर निकाले गए और वीआईपी कल, क्योंकि मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को वीआईपी कल्चर की आदत है, उनने स्पेशली मंदिर से एक चंवर अपने लिए निकलाई जो उनको निकाल के दी, जो वीडियो में भी है। उस वक्त हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि राज परिवार के सदस्य हम चले आए। बाद में पुजारियों को बुला के उसकी चर्चा हुई, उन लोगों ने माफी मांगी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, एक चंवर ही निकलती। उसके बाद में जो जुगल किशोर मंदिर में महाराज साहब को बाहर रोक दिया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। जब हमको बताया गया कि परंपरा टूटेगी क्योंकि चौर की जो प्रथा होती है उसमें जो राजा होता है वो भगवान से क्षमा याचना करता है सबकी गलतियों के लिए और भाव। और आइए इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ खास तस्वीरें। उज्जैन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, महाकाल की सवारी जो है निकाली जा रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उज्जैन से, जहां पर महाकाल सवारी निकाली जा रही है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए हर कोई बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचता है और दर्शन करता है और सवारी आज निकल रही है। ये शाही सवारी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं उज्जैन से, ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आपके सामने। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में भीड़ साफ तौर से दिखाई दे रही है। महाकाल की शाही सवारी में हमेशा ही जो भक्त हैं उत्साहित नजर आते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इस सवारी में पहुंचते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। महाकाल की शाही सवारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें उज्जैन से। शाही सवारी निकल रही है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं और आनंद ले रहे हैं सवारी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।